छात्रों के पास, उड़ीसा के युवाओं के पास डिग्री तो है परंतु उनके पास नौकरी जो नहीं, जिस तरीके से दो दो लाख नौकरियां देने का काम जो है, दो दो लाख नौकरियां देने का वादा जो है इस सरकार ने किया था जिसमें वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। और उसके बाद शिक्षा का निजीकरण जो है वो उड़ीसा में जो है सातवें आसमान पर है। तो इन्हीं सब को लेकर आज ओडिशा NSUI जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के घेराव करेगी और ये प्रयास करेगी कि जो सरकार सत्ता के नशे में दूर है उस नींद से तोड़ने का प्रयास NSUI के कार्यकर्ता करें। रोड जो तानाशाही, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, इस तानाशाही की सरकार चाहे जितने मर्जी बैरिकेड लगा ले, जितने मर्जी लाठियाँ जो है हमें दिखा दे, परंतु इन लाठियों और इन बैरिकेडों से आगे बढ़ेगा छात्र कांग्रेस ओडिशा युवक मानक पाई, छात्र मानक महिला पाई लड़ाई करबो, जो जाय अधिकार मिलनी स्वार्थ पाई में लड़ाई करबो। आज से लड़ाई जेते बेले निर्वाचन समय आसे, ये राज्य सरकार होंती कि केंद्र सरकार होंती, बारंबार मिछ प्रतिश्रुति निर्वाचन दिखे होंती तापरे भूली आउछंती ताक प्रतिश्रुति। आज ताक अधिकार पाई जो भली भाबे नियुक्ति देवारे विफल होइछंती, वर्ष को 2 लाख नियुक्ति देवा कथा कहिदेले किंतु 21 वर्ष काल रे 42 लक्ष युवक युवती राजस्थान चित्कार करुछंती कि नवीन मंत्री तरह सोइछंती। आज आम तुमको चितई जीव मुख्य मुद्दा बेरोजगार, तुरंत छात्र युवक मान रोजगार दियंतु। जिते बड़े मनमोहन सिंह सरकार थिला टंका टी तेल दर बढ़ुला, नवीन सरकार हूँ राजस्थान चित्कार करुले, आज तेल दर 100 टका पहुँचला। नवीन बाबू तुम कम बेच बसीच, तुम लड़े कहीं कर मधुचंद्रिका बंद कर, यथाशीघ्र पेट्रोल डीजल दर पर जो दर अच्छी टैक्स अच्छी बंद कर, टिकस को बंद कर।